गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुनील कुमार एंड आई एम टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस फॉर 11th क्लास. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. एंड दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड what are the necessities of the constitution and what are the features of the constitution, function of the constitution. These main things in this chapter we have discussed. So first of all, we have first topic, why do we need a constitution? This is a question and this is a basic question for the constitution. You know very well, in each organization, each institution and each country, they have some rules. So for the developments and for the working system of the particular school, particular institution, particular country, we need some rules and regulations. So in a country, the constitution provides some rules for the developments and for the working systems and for the government. So first of all, we have one question, what is a constitution, what are its function, what role does it perform for a society, how does a constitution relate to our daily existence. For these questions we discuss all the answer in this chapter. So now start the chapter. First of all, constitution allows coordination and assurance. You know very well, there are some groups and different types of peoples living in a particular country. They have different ideology, different thinking. So we need a proper constitution for all the peoples. Okay, now I am talking in Hindi. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ज़रूरी होता है और क्यों उसकी जो है वो अपने इतनी नीड होती है, उसको अपने इस चैप्टर के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. शुरुआत इसकी अपने यही से होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्यों ज़रूरी होता है, उसके पीछे के मेन रीज़न क्या है. और वही मेन रीज़न जो है वो हमें ये बताएंगे कि ये चीज़ें जो हम कोई भी देश जो रूल और रेगुलेशन जो डिसाइड करता है, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का रूप बन जाते हैं. कैसे होता है उनके अंदर, ये सारी चीज़ें अपने जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन के थ्रू समझेंगे, ठीक है. जैसे इसने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को जो है वो अलाउ करता है. किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे होगा, तो आपको मैंने अभी बताया कि हमारे देश की अगर हम बात करें, ठीक है, ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज इन आवर कंट्रीज़, वो क्या है उसको समझना है अपने को, ठीक है. जैसे मान लो आप एक बहुत बड़े ग्रुप के, एक लार्ज सोसाइटी के एक मेम्बर हो, और मानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया के अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट उनके कल्चर्स होते हैं. आप भी अपने आसपास देखोगे, मुस्लिम्स रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, ठीक है, हिंदू भी जो है रहते हैं. अब यहाँ पे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई सिख होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई बौद्ध, कोई जैन, तो ये सब देखोगे आप अपने आसपास. दूसरे रिलीजन को जब आप देखोगे तो उन रिलीजन्स के जो ट्रेडिशन है उनका, या उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो कस्टम्स, रिचुअल्स जो भी है, वो सब आपके खुद के रिलीजन से पूरी तरीके से जो है वो डिफरेंट आपको मिलेंगे. तो ऐसी जब चीज़ें होती है, जब इस प्रकार की इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि इन लोगों को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. क्योंकि इनके ऊपर रूल करना, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि इनको कैसे जो है वो कंट्रोल में रखा जाए, इनके लिए कौन से रूल्स जो है वो बनाए जाए जो सब इजीली जो है वो फॉलो कर सके. उसके पीछे
कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसको एक प्रॉपर वे में कंटिन्यू करने के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, आपको पता है या नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इसमें कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली उसके मेंबर बने थे, कुछ इलेक्टेड थे, कुछ अपॉइंटेड थे। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इसने हमारे देश के लिए जो है अलग अलग सेक्शन को, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है रूल और रेगुलेशन जो है वो सेट किए थे। 11th क्लास की जो ये पॉलिटिकल साइंस के जो अपने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो बुक्स पढ़ेंगे इसके अंदर आपको एक तो पॉलिटिक्स क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं और क्या फंक्शंस है इसके, क्या चीज़ें अपने इसमें हो सकती है, वो सारी चीज़ें अपने इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हमने कॉन्स्टिट्यूशन से की है भी ये क्यों ज़रूरी होता है, और बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको भी पता चल जाएगा। अभी हमारे देश में जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आपको पता है इंडिया हैव लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है अपने देश में। तो वो उस इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कब, कैसे बनाया, वो सारी चीज़ें अपने समझेंगे और क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हुई। देखिए आपको पता है सदियों से हम देख पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो है पुराने टाइम से, बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी जो है डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स मतभेद जो थे, ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो बहुत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये चीज़ें हमें हमारी सोसाइटी में बहुत देखने को मिलती। ऊपर से फिर हमारे देश में इतने सारे जो है वो रिलीजन्स थे, बहुत सारे यहाँ पे जो है अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जो है लोग थे, इन सब को एक जैसे रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में लाना बहुत मुश्किल काम था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो ये मेकर थे उन्होंने सबसे मेन काम ऐसे ही किया कि जो भी रूल्स बनाए जाएं वो सारे के सारे जो रूल्स है वो ऐसे हो जो सभी लोग उनको ईजिली जो है वो फॉलो कर सके, किसी को भी फॉलो करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम न आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, तो मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, उसको हम इसके फंक्शन के थ्रू समझेंगे। तो पहला जो फंक्शन इसने हमें बताया है वो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ अपने मैंने जो इसके ऊपर जो इसको अंडरलाइन किया है इसमें देखिए, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। शुरुआत जब आपने की थी तो इसमें शुरुआत में कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस का ही जो है वो टॉपिक आया था, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन को श्योर करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे बेसिक जो रूल्स है वो बनाने की ज़रूरत महसूस की गई थी, जिससे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप अपनी बुक के अंदर अपनी क्लासरूम के अंदर जो है इस एक्टिविटी को जो है वो करके देख सकते हो। आप जब ये बुक पढ़ोगे तो क्लास में आओगे तो आपको ये एक्टिविटी ज़रूर कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सिंपल सी बात है, हमारे देश में सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। पॉलिटिकली जो भी बातें, जो भी चीज़ें जो चल रही है या जो पीछे हो गई है उन सबको इसमें डिस्कस किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं, मैंने आपको तीन टाइप बताए थे, देयर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज मोनार्चिकल सिस्टम, मोनार्चिकल, सेकेंड इज डिक्टेटरशिप, थर्ड इज डेमोक्रेसी। ये तीन तरीकों से बनी हुई गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, और हमारे देश में हमने तीनों तरीके की गवर्नमेंट को भी फेस किया है। हमारे देश में मोनार्च भी थे, डिक्टेटरशिप भी थे,
ठीक है, यानी कुछ राजा महाराजा ऐसे भी थे जो मोनार्च होने के साथ साथ उन्होंने डिक्टेटरशिप की तरह या डिक्टेटर की तरह भी काम किया था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो उसके बाद हमारे देश में कौन से टाइप की गवर्नमेंट ने जो है वो रूल करना शुरू किया, डेमोक्रेटिक तरीके से बनी हुई गवर्नमेंट ने रूल करना शुरू किया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो ये गवर्नमेंट है ये बनेगी कैसे, कौन वो लोग होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन इसके मेंबर होंगे, उनको कैसे ये राइट्स मिलेंगे कि वो एक सरकार बनाएं। मतलब गवर्नमेंट को काम करने के लिए किस प्रकार से गवर्नमेंट काम करेगी, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स जो है वो सेट करने पड़ते हैं, और वही रूल्स हमें बताते हैं एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई गवर्नमेंट के लिए वो रूल्स होते हैं, और जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, फंडामेंटल या बेसिक रूल जिनको हम कह सकते हैं, वो रूल्स एक किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए बने होते हैं, और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वो लोगों के लिए क्या करेगी, किस प्रकार से करेगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू जो है वो डिस्कस की जाती है। देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मेन उसके दो काम होते हैं, फर्स्ट पॉलिसी मेकिंग, पहला काम होता है पॉलिसी मेकिंग या डिसीज़न लेना, मतलब ये काम करती है वो। फिर उसके बाद जो उसने डिसीज़न लिए हैं या जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी वो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले आपको बताया था पॉलिसी मेकिंग या डिसीज़न लेना, तो सरकार के पास ये पावर कहाँ से आती है कि वो किस प्रकार के डिसीज़न ले सकती है, कैसी पॉलिसीज़ बना सकती है, ये सारी की सारी बातें उसे कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही ये चीज़ें जो है वो लिखी होती है कि कोई भी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी। हम बात करें अपने इंडियन गवर्नमेंट की, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने सारे रूल्स बनाए हैं, इतने सारे बेसिक रूल्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे कि वो किसी भी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे देश की पर्टिकुलरली हमारे देश की गवर्नमेंट की बात करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारे रूल बने हुए हैं, अथॉरिटी किसके पास रहेगी, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, कैसे काम करेगी। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो अपने मनमाफिक काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है, वो किसी की भी नहीं सुनती, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको रूल फॉलो करने पड़ते हैं, विदाउट रूल फॉलो किए वो काम नहीं कर सकती। अगर बाई चांस वो अपनी मनमर्जी करती है कोई भी गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो है हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो या प्रोसेस जो है वो चलते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे प्रोविज़न दिए हुए हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, अपोजिशन पार्टियाँ होती है, रूलिंग पार्टीज़ के ऊपर वो उसका कंट्रोल रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरे देशों में देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करें, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है, और वहाँ पे जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए जो है वो प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, राष्ट्रपति घोषित कर दिया, भी जब तक वो जिंदा है तब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यही सिस्टम रसिया के अंदर भी है, रसिया में भी जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन क्या हमारे इंडिया में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से बनी हुई गवर्नमेंट होती है और वो हर 5 साल बाद चेंज होती है, बदलती है। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो वो रिपीट भी हो सकती है, यानी कि दोबारा से उसको गवर्नमेंट में आने का मौका मिलता है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और बिल्कुल फेयर तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो किसके थ्रू चलता है? बहुत सारे रूल्स जो है वो यहाँ बने हैं। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि फंक्शन के थ्रू अपने इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो पहला फंक्शन अपने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन वाला था। दूसरा फंक्शन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये आपको मैंने पूरा अभी समझाया है कि एक सरकार को काम करने के लिए जो रूल्स चाहिए
जो रूल्स उसको फॉलो करने हैं वो रूल्स कहाँ मिलेंगे उसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी आता है आगे जी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है मैंने कि कुछ रूल्स, कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती है, यानी कि उसको कंट्रोल में रखने का काम किया जाता है। अब उसको कंट्रोल में रखने का काम कौन करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, क्योंकि जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं वही रूल उसको फॉलो करने होंगे। तो लिमिटेशंस सरकार की बता देने का काम कौन करता है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और ये हमारे देश की बात नहीं करें, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो सभी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना इसका थर्ड फंक्शन आ रहा है, और वो थर्ड फंक्शन क्या है ये देखिए, थर्ड फंक्शन क्या है, द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेस पास दैम। मतलब किसी के ऊपर भी गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी के कानून, अपनी मनमर्जी के डिसीजन, अपनी मनमर्जी की पॉलिसी जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती, उसके ऊपर थोप नहीं सकती ज़बरदस्ती से। ये सब चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ ऐसे काम कर सकती है जो लोगों के लिए अच्छे हों, लोगों की भलाई के काम हो, उन्हीं को ही करने का जो राइट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है। तो ये तीन फंक्शन अपने पढ़े हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरूरत के जो नेक्स्ट फंक्शन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इस वीडियो के थ्रू जो है वो अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वो होगा एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, इसके थ्रू अपने फोर्थ फंक्शन पढ़ेंगे इसका। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे आगे वो होगा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, मतलब एक पीपल, एक सिटीजन, पर्टिकुलर किसी भी देश का सिटीजन है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, कैसे वो पहचाना जाएगा। इसके अलावा जो है द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट किसके पास है या क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखिए, इससे आगे आने वाली वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज ले सको। और इसके अंदर जो भी चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर के थ्रू मैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।